विश्वास नहीं हो रहा है काम देखकर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस तरह का स्पीड देखकर के इनका। पटना के भद्रघाट में अभी हम है, गाय घाट के जस्ट बगल में भद्रघाट है। आप मेरे पीछे महात्मा गांधी सेतु और ये गाय घाट का पीपा पुल देख रहे हैं। भद्रघाट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे गंगा एक्सप्रेस वे गंगा पथ का काम चल रहा है, हम उसका अपडेट आपको देने जा रहे हैं। वीडियो हम यहाँ से शुरू इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ आपको दिखाना है। चलिए देखते हैं कि गंगा पथ का, पटना में बन रहे गंगा पथ का कितना काम हुआ है, कितना अभी बाकी है। गायघाट में महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने का काम तो चल ही रहा है। सामने महात्मा गांधी सेतु है और महात्मा गांधी सेतु के नीचे से गंगा पथ गुजरेगी। इन झाड़ियों के बाद वो गंगा पथ का अलाइनमेंट है। हम चले गए यहाँ से कंगन घाट किला घाट तक और दिखाएंगे कि गंगा पथ का काम किस रफ्तार से चल रहा है। जब आप इस वीडियो में अंत तक पहुँचेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखने वाली है जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। गंगा पथ का काम इस तरफ दूसरी कंपनी कर रही है जिसका नाम हम अंत में बताएंगे, और यहाँ के पहले नवयुगा कर रही है जो पहले से कर रही थी। उधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। चलिए चलते हैं। सामने जो पाया देख रहे हैं, इस पाया का नंबर है 145, जिसका 2017 में ही निर्माण हो गया था। गांधी सेतु से कर्व होकर के जब ये इधर आता है तब ये पाया यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मटेरियल रखा हुआ है लेकिन काम अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नया रास्ता है, हाल फिलहाल में इसका निर्माण हुआ है। पटना सिटी के जाम भरे रास्ते से जब आप सफ़र करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। ये एक ऑप्शन है, आपको कंगन घाट तक किला घाट तक ये आपको ले जाएगा। उधर से आप फिर पटना सिटी वाला रोड पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ट्रैफिक लेस रास्ता है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये गंगा नदी है जिस पर महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है और यही गंगा नदी के बगल से ये गंगा पथ गुजर रहा है और कुछ पानी में भी रहेगा इस गंगा पथ का हिस्सा। ये एलिवेटेड जहाँ पर है, जहाँ पे पुल बन रहा है वहाँ पर पानी रहता है, अभी नहीं है तो सीजन में रहता है। ये देख सकते हैं हम चल रहे हैं इस रास्ते पे, ये रास्ता अभी हाल फिलहाल में ही बनकर के तैयार हुआ है। दोनों तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता भी है और ये हम पाया नंबर 147 क्रॉस कर रहे हैं। देख सकते हैं आगे 48 है, इसी तरह से पाया नंबर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और आगे जहाँ पर पाया नहीं है वहाँ पर काम चल रहा है गंगा पथ। तो हम इसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या स्थिति है, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है वो सारा। लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए भी रुकते हैं, रुकते हैं तो वहाँ पर सेल्फी लेने के लिए गंगा नदी के किनारे रुकते हैं। अगर इसको डेवलप किया जाए तो अच्छा, डेवलप तो किया गया है और भी इन सबको भी डेवलप किया जाए तो बैठने का एक अच्छा स्थान होगा, क्योंकि गंगा का पानी यहाँ पर नज़दीक में है लेकिन जहाँ पर डेवलप किया गया वहाँ पर पानी नहीं रहता है, सिर्फ सीजन में ही पानी आता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाया नंबर 161 है, पाया नंबर एक के जो गंगा पथ का है वो अशोक कन्वेंशन केंद्र के पास है, वहीं से पाया शुरू हुआ है और यहाँ तक आते आते पाया नंबर 107। इसका जो कंप्लीट होने का डेट है 27/2/2017 है और 4 साल इस पाये का निर्माण हुए हुए हो गया है। अब इसके बाद 162, 163, 164, 165 इस तरह से पायों का निर्माण इस तरह चल रहा है। यहाँ तक तो नवयुगा ने कर रखा है इसको, और इसके पहले का काम भी नवयुगा ही कर रही है लेकिन यहाँ के बाद कंपनी चेंज हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया है तो वो 162 नंबर पाया से आगे का काम कर रही है। चलिए चलते हैं उधर और दिखाते हैं कि उधर की क्या स्थिति है। फिलहाल छड़ तो हमें दिख रहा है और लग रहा है कि बेस भी तैयार हो गया है उसका। आपको याद होगा कि इसका काम होता हुआ मैंने दिखाया था, अब यहाँ पे आने पे देख सकते हैं कि इसका बेस तैयार है, बस पाया का निर्माण करना है। छड़ है वो भी लगा दिया गया है, यहाँ से हमें कई पायों में छड़ खड़ा हुआ दिख रहा है।
पाया का निर्माण होगा, यहाँ पे बेस तैयार है और यहाँ से 162 नंबर पाया शुरू हो जाएगा। आगे की तरफ जो आपको दीदारगंज की तरफ जा रहा है, दीदारगंज की तरफ का भी काम होता हुआ मैंने दिखाया है कि वहाँ पे भी काम चल रहा है। वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे, लिंक उसका पेस्ट कर देंगे, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये 162 है, आगे 63, 64, 65 इस तरह से पायों का नंबर है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या स्थिति। विश्वास नहीं हो रहा है काम देखते, जिन्होंने पाया नंबर 162 से लेकर के यहाँ तक के यहाँ हल्का देखे कर्व हो रहा है, ये धीरे धीरे टर्न हो रहा है। और यहाँ पर ये लोग पाइलिंग ही नहीं, जो नीचे का बेस होता है उसे भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये इतना कम समय में इन्होंने ये सारा काम कर दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस तरह का स्पीड देख करके इनका। ये देख सकते हैं काम चल रहा है और इधर भी जो बेस तैयार है वहाँ थोड़ा सा बेस को और ये करना है। आगे काम चल रहा है, पाइलिंग का काम भी कहीं वहाँ आगे चल रहा है, ये देख सकते हैं। ये इस तरह से मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे अपडेट दिए हुए इसका, और यहाँ पर इस तरह का काम गंगा पथ का इस स्पीड में चल रहा है। ये देख सकते हैं इसका शटरिंग अभी हाल ही में कंक्रीट हुआ है और शटरिंग खोलना भी बाकी ही है, और उस तरफ फिर इस तरह का शटरिंग लगेगा और उधर कंक्रीट होगा। और ये तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पे गंगा का पानी अभी है तो समझ लीजिए कि सब दिन रहता है पानी, और यहाँ पर जब जो गंगा पथ क्रॉस करेगा तो सीज़न हो या बिना सीज़न का पानी रहेगा नीचे पे, नीचे रहेगा पुल के ऊपर लोग गाड़ियाँ चलाएंगे और नीचे जो पानी है वो रहेगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी प्राचीनता को दिखाता हुआ एक किला अभी भी यहाँ पर है, गंगा किला है। सोच सकते हैं कि वहाँ तक गंगा का धारा रहा करता था। यहाँ भी बेस तैयार किया जा चुका है, ये देख सकते हैं, और तैयार होना है। और इस तरफ भी पाइलिंग हुआ हुआ है, बेस तैयार होना है, उधर काम चल रहा है, उधर भी बेस तैयार होगा, पाइलिंग होगा, फिर पियर बनेगा। आगे भी काम चल रहा है, कुछ कुछ कहीं कहीं पे ये लोग काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, मुझे दिख रहा है आगे कि काम चल रहा है। ये रिग मशीन यहाँ पर है और यहाँ पे पाइलिंग का काम होना है, वहाँ पर देख सकते हैं क्रेन लगा हुआ है, उस तरफ भी काम होना है। और यहाँ पे ये सब अभी फिलहाल इसमें पाइलिंग वगैरह होना है, वहाँ पे देख सकते हैं लोहे से ये करके पानी को रोके हैं, ज़मीन को रोक रहे हैं, ये देख सकते हैं। आगे भी पाइलिंग हुआ हुआ है एक जगह, वहाँ पर बेस बनाना है जिस अभी हम खाजेकाला घाट में हैं, और यहाँ से ये पथ जो जाता है कंगन घाट के तरफ जाता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दीवारों को सजाया गया है, और ये कंगन घाट चला जाता है, ये रास्ता काफ़ी अच्छा रास्ता है। और इसी के पास इस तरफ काम चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया है, आगे भी आपको दिखेगा। चलिए चलते हैं। खाजेकाला घाट से आगे ये टेढ़ी घाट थोड़ा सा ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, वो सामने पेड़ जो दिख रहा है, पेड़ के बाद वाला पेड़, वो खाजेकाला घाट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काम जो इनका है फाउंडेशन का, ये सरिया वगैरह रखा हुआ है, फाउंडेशन कुछ का हुआ हुआ है और कुछ का बचा हुआ है जिस पे काम चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर काम हो रहा है टेढ़ी घाट के पास, और पाइलिंग वगैरह ये लोग कर चुके हैं, पहले से क्या हुआ था ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन काम इनका जो है जहाँ रायघाट से थोड़ा आगे आने पे था, अब बहुत आगे निकल गया है, और गंगा घाट ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जो पानी होगा, पानी वाले हिस्से में ही इनका काम होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ड्राई है, लेकिन ये सब एरिया जो है पानी का वाला हिस्सा ही है जहाँ पर ये देख सकते हैं। तो काम चल रहा है, सामने आपका महात्मा गांधी से तो दिख रहा होगा, ये पाइलिंग का काम चल रहा है, रिग मशीन अपना काम कर रहा है।
इतना गहरा पाया होता है इससे तो आपको अनुमान नहीं गया होगा इसकी लंबाई देख करके। ये देख सकते हैं देख सकते हैं एक साथ कई मशीनें चल रही है, कई जगह पे इतना ही दूर में कई जगह पे काम चल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये होल तैयार है, उसमें ये जो पाइप नुमा होता है उसे अंदर जमीन के अंदर इस पाइप को आप देख रहे हैं, देखते देखते ये जमीन के नीचे कैसे चला जाएगा वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। हर चीज की तकनीक है। ये देखते देखते पाइप पे जमीन के नीचे चला गया। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा क्योंकि इसमें कर नहीं सकता, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसमें शॉर्ट दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जनरेटर गंगा के किनारे चला करके इसे अंदर वाइब्रेट करके जमीन के नीचे भेजा गया है। ये पाइलिंग का एक प्रोसेस है जो आपके सामने, उसके बाद ये लोग चेक कर रहे हैं, अपने आप को निश्चिंत कर रहे हैं कि जो ये काम हुआ है वो परफेक्ट है, सही है। लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से देख रहे थे कि कैसे ये पाइप नीचे जमीन के नीचे जा रहा है। कई जगह पे यहाँ पे काम चल रहा है वो आपके सामने देख सकते हैं। यही है कंगन घाट, देख सकते हैं, यानी कि हम गुरुद्वारा के पास पटना सिटी में जो गुरुद्वारा है वहाँ तक पहुँच गए हैं। सोचिए कितना कम समय लगा हमें इधर से आने में। अगर मैं गायघाट से मेन जो मुख्य सड़क है उसे पकड़ के आता तो जाम में ही काफ़ी समय बीत जाता। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे गंगा पता क्या। कंगन घाट से आगे आने पे यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस दिख रहा है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर लेन एलिवेटेड रोड एज पार्ट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा पथ दीघा टू दीदारगंज, अथॉरिटी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अथॉरिटी इंजीनियर एकोम रोडिक और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसका काम आपने देख लिया है। इस तरफ भी काम चल रहा है। सच बताएं आज काम देख करके मन पसंद हो गया, इतना फास्ट काम हो रहा है गंगा पथ का। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका निर्माण कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर है और जितनी स्पीड में काम कर रहा है हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना स्पीड में काम होता हुआ दिखेगा। मैंने कई चीज़ें आपको दिखाई है, पूरा पाइप ऐसे तो इसमें छोटा सा आपको दिखा होगा कि पाइप अंदर जा रहा है, लेकिन वो पूरा पाइप कैसे उतना मोटा पाइप अंदर जाता है उसका वीडियो हम इसके बाद अपलोड कर देंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि रियल टाइम वीडियो कैसे वो पाइप नीचे ज़मीन के अंदर जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल किला घाट के पास हम हैं, कंगन घाट से आगे आकर किला घाट के पास हम आ गए हैं। यहाँ पर SCGS कॉलेज भी है और किला घाट से आगे इस तरफ अभी फिलहाल इनका प्रोजेक्ट ऑफिस है, उस तरफ अभी काम नहीं चल रहा है, चल रहा है उधर दीदारगंज के पास जो मैंने आपको जो इसका जीरो चैनल है उधर से काम होता हुआ आ रहा है, जिस अपडेट मैंने दिया था उसका भी अपडेट देंगे इसके बाद किसी दिन। अभी फिलहाल काम यही है कि काम इनका जो है गंगा पथ का काफ़ी तेज़ी चल रहा है, काफ़ी फास्ट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये तय समय सीमा के अंदर मतलब कि पहले ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सफल होंगे। तो हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँच रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। और